इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीड्स। रविवार की छुट्टी के बाद आज काम पर लौट रहे लोगों की गाड़ी में अगर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल नहीं है तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैट घटाने की मांग को लेकर आज पेट्रोल पंप डीलर्स ने विरोध स्वरूप दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को बंद रखने की घोषणा की है। पेट्रोल पंपों पर बने प्रदूषण जांच केंद्रों के भी बंद रहने की बात कही जा रही है। केवल ऑयल कंपनियों द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले 10 से 15 पंप ही खुले रहेंगे। हालांकि आईजीएल के सभी सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे। इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों पर 1.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, जिसके बाद ऑयल कंपनियों ने भी दामों में 1 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। केंद्र सरकार के आह्वान पर बीजेपी शासित राज्यों में सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट 2.5 रुपए तक घटा दिया। बीजेपी शासित राज्यों में तो पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर तक कम हो गए, लेकिन दिल्ली समेत जिन राज्यों ने वैट नहीं घटाया वहाँ पेट्रोल के दाम 2.5 रुपए ही कम हुए। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन पिछले कई दिनों से इसी को लेकर विरोध कर रही थी। अब दिल्ली में भी वैट घटाने की मांग को लेकर एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया है, जिसके तहत सोमवार की सुबह 6 बजे से मंगलवार की सुबह 5 बजे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं। एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी राजीव जैन ने बताया कि हमारी एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार से मांग की कि वो दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल के दामों पर वैट घटाएं, क्योंकि यूपी और हरियाणा में सस्ता पेट्रोल डीजल मिलने की वजह से लोग वहां जाकर ईंधन डलवा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के पेट्रोल पंप के मालिकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा दिल्ली के पर्यावरण पर भी इसका गंभीर असर पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली में यूरो 6 मानक वाला पेट्रोल मिलता है, जबकि NCR में यूरो 4 मानक वाला पेट्रोल डीजल ही मिलता है, जिससे प्रदूषण ज्यादा होता है। इसलिए हमारी मांग है कि दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल के रेट यूपी और हरियाणा के बराबर किए जाएं। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें कम नहीं करने की वजह से पिछले साल के मुकाबले इस साल 1 से 15 अक्टूबर के बीच दिल्ली के पेट्रोल की खपत 20% और डीजल की खपत 30% तक घट गई है। सोमवार की सुबह डीलर्स की टीमें अलग अलग इलाकों में निकलकर यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी पेट्रोल पंप बंद हैं। उसके बाद एसोसिएशन के प्रतिनिधि बंगला साहिब गुरुद्वारे के सामने बने पेट्रोल पंप पर इकट्ठा होंगे और वहां पर आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे। दिल्ली के पेट्रोल डीलर्स की हड़ताल को देखते हुए बीजेपी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग की है कि वे दिल्ली में वैट की दरें कम करें, ताकि यहां भी लोगों को पेट्रोल डीजल सस्ता मिल सके। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने रविवार को एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत के चलते दिल्ली में लगभग 400 पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर हैं। दिल्ली के पेट्रोल पंपों की सेल कम हो गई है, जिससे दिल्ली सरकार का राजस्व भी कम हो रहा है। सस्ते पेट्रोल डीजल के लिए लोग नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ जैसे NCR की जगहों पर जाकर पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं, लेकिन इससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि इन जगहों पर यूरो 4 की गुणवत्ता का पेट्रोल डीजल मिलता है। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।